हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको एक काफी शानदार लिथियम बैटरी चार्जर बनाकर दिखाने वाला हूं। गाइस, इस चार्जर को आप अपने डायरेक्टली मोबाइल चार्जर एडाप्टर के साथ कनेक्ट करके अपनी लिथियम बैटरी को काफी आसानी से चार्ज कर सकते हैं। इसको बनाना काफी सिंपल है एंड बहुत ही सस्ते दाम में आप इसको घर पे बना सकते हैं। इस वीडियो में इसी को बनाने वाला हूँ, तो वीडियो कम्प्लीट वॉच कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने एक 25 mm का पीवीसी पाइप ले लिया है। इस पीवीसी पाइप की जो लंबाई है वो 11 सेंटीमीटर है। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे अपनी जो लिथियम बैटरी है उसको ले लिया है। इस बैटरी को इसके ऊपर कुछ प्रकार से रख देना है। उसके बाद हमको मार्क लगा लेना है कि कितना हम लोग इस पाइप को कट करेंगे, ताकि जो हम लोग की लिथियम बैटरी है उसका एक होल्डर बन जाए। तो यहाँ पे मैं लिथियम बैटरी को रख के यहाँ पे एक मेजरमेंट इसका कर लिया हूँ। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपको निशान लगा लेना है कट करने के लिए, किसी चीज़ में निशान लगा सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे हेक्सा ब्लेड से इसको काफी आसानी से जो बगल वाला दोनों साइड है उसको कट कर लूंगा। ये जो बगल वाला साइड है इसको आप किसी चीज भी कट कर सकते हैं, लाइक अगर आपके पास नाइफ है तो उसको आप गर्म करके कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आप लोग थर्माकोल का जो कटर रहता है उसी से मैं इसको कट कर रहा हूँ, काफी आसानी से कट हो जाएगा। आप इस कटर को भी गर्म करके इसको काफी आसानी से कट कर सकते हैं। तो आपको जैसा आसान पड़े वैसे आप कट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कट हो जाने के बाद थोड़ा सा अप डाउन है, तो इसको हमको स्मूथ बनाना है। स्मूथ बनाने के लिए आप किसी चीज से भी इसको स्मूथ बना सकते हैं। आप इसमें सैंड पेपर का यूज कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, इसी कटर की मदद से इसको थोड़ा सा जो अप डाउन है उसको स्मूथ बना लूंगा। अगर आप इसको गर्म करके काटते हैं तो काफी अप डाउन हो जाता है, तो उसको आप सैंड पेपर से अच्छी तरह से घिस के स्मूथ इसको बना लीजिएगा, ताकि देखने में अच्छा लगे। उसके बाद मैंने दो यहाँ पे राउंड शेप का पीस कट कर लिया है। ये जो पीस है इसके अंदर कुछ प्रकार से हम लोग को लगाना है। इसको इसलिए लगा रहे हैं हम लोग ताकि अपनी जो बैटरी है उसको इसी में पैक करना है हम लोग को। तो आपको फिलहाल में दो ही पीस को कट करना है। वैसे जरूरत हमको चार पीस की है, बट फिलहाल में आपको दो ही पीस जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दो इस प्रकार के जो ब्लेड हैं उसको ले लिया है। गाइस, इस ब्लेड को मैंने पुराने रिमोट में से निकाला है, जो रिमोट खराब होती है फेंक दी जाती है उसमें से, या फिर अगर आपके पास जो टॉय आती है AA की बैटरी जिसमें लगती है उसमें से आप काफी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। एक साइड देख सकते हो आप लोग स्प्रिंग लगा हुआ है एंड एक साइड सादा है। जो स्प्रिंग वाला पार्ट होता है वो ब्लैक मतलब माइनस वाला पार्ट होता है, एंड जिस साइड में सादा है वो मतलब पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ इस प्रकार से इसको लगा दिया है। अब पीछे से इसमें हम लोग वायर कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेड वाला वायर है उसको मैं सिंपल जो है सामने की साइड में उसमें कनेक्ट कर दूंगा। जो हम लोग का लिथियम बैटरी होगा उसका प्लस वाला इस पर लगेगा, एंड जो माइनस वाला वायर है उसको हम लोग स्प्रिंग वाले पार्ट वाले पे कनेक्ट कर देंगे, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। उसके बाद इसको हमको इसके अंदर लगाना है। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा कटिंग कर दिया ताकि वायर जो है अनदर साइड से दूसरे साइड जा सके। तो छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए इस वीडियो को बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार करके हमको इसके अंदर इसको पैक कर देना है। यहाँ पे जो है पैक हो जाने के बाद हमको सुपर ग्लू से अच्छी तरह से इसको चिपका देना है, ताकि यहीं पे फिक्स हो जाए। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको उतना ही दूर करके चिपकाना है, ताकि जो हम लोग लिथियम बैटरी है उसके अंदर काफ़ी आसानी से बैठ जाए, काफ़ी ढील भी ना हो और काफ़ी टाइट भी ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी काफ़ी अच्छी तरह से पैक हो जा रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो बल्ब ले लिया है, एक रेड है एंड एक ग्रीन। 2.2 ओम का मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। इसको मैं बल्ब के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ, ताकि जो बल्ब है वो फ्यूज ना हो। तो कुछ इस प्रकार से हम अपने बल्ब में रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वायर जोड़ के उसको बड़ा कर दिया है। इन दोनों बल्ब को हमको यहाँ पे लगाना है ऊपर साइड में। इस बल्ब को यहीं पे हम लोग लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है और सुपर ग्लू से अच्छी तरह से इसको चिपका दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेल प्लग लिया है। ये जो है आपको डेटा केबल से काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद इसमें जो है हम लोग वायर को कनेक्ट करेंगे। आपके पास अगर वायर वाला है तो भी ले सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे 1N4007 का डायोड ले लिया है। इस तीनों डायोड को हमको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो तीनों डायोड का जो प्लस वाला पार्ट है मतलब जितने भी व्हाइट वाले हैं उन सबको एक एक साइड रखते हुए सोल्डरिंग करना है, कुछ इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पे किया है। जितना भी उसका एक साइड है इसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। जो हम लोग का प्लस है इस प्लस में जो डायोड का माइनस वाला वायर है कुछ इस प्रकार से हमको कनेक्ट कर देना है। और जितना भी व्हाइट वाला लाइन है इसको हमको बाहर रखना है। माइनस वाला यहाँ पे बैटरी का कनेक्ट होगा और प्लस वाला ऊपर। जो बल्ब है एक माइनस यहाँ पे कनेक्ट होगा और बल्ब का एक प्लस यहाँ पे। इसी प्रकार से करके हमको कनेक्शन करना है। मैं पहले आपको कनेक्शन करके दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको सब समझ आ जाएगा। यहाँ पे जो कनेक्शन है मैंने कर लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो माइनस वाला वायर है तीनों बल्ब का एंड बैटरी का सबका कॉमन वायर मैंने माइनस का एक ही में कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो ए वाला वायर है बल्ब का प्लस एक हमको यहाँ पे कनेक्ट करना है। दूसरा जो बल्ब का वायर है यहाँ पे कनेक्ट करना है डायोड की साइड में, एंड बैटरी का भी वायर यहीं पे कनेक्ट कर देना है जो होल्डर का वायर है वहीं पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पीवीसी शीट ले लिया है, इसमें थोड़ा सा कटिंग कर दिया है। जो हम लोग का मेल प्लग है इसके अंदर काफ़ी आसानी से बैठ जाएगा। इसको इसके अंदर लगाने के बाद हम लोग सुपर ग्लू से इसको चिपका सकते हैं। आप हॉट ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं इसको चिपकाने के लिए, जो आपको आसान लगे उसी से आप चिपका दीजिएगा। उसके बाद इसको हम लोग इसके अंदर पैक कर देना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है, तो इसको आप सेंटर मिला के जिस हिसाब से करके जहाँ भी आपको सेंटर इसका बैठ जाए उस हिसाब करके इसको आप सुपर ग्लू से अच्छी तरह से चिपका सकते हैं। यहाँ पे आप जो छोटा सा पीस को बना के इसके अंदर भी पैक कर सकते हैं।
उसके बाद जो एक्स्ट्रा इसमें बचा हुआ है उसको हम लोग कटर की मदद से काट के बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे मैं इसको जल्दी से कट करके कुछ प्रकार से बना दिया हूँ स्मूथ। अब गाइस ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है वर्क करने के लिए, तो ऐसे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको पहले पेंट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने इसको पेंट कर दिया है, अब ये देखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक मोबाइल चार्जर अडाप्टर ले लिया है, इसमें हम लोग डायरेक्टली इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिथियम बैटरी को ले लिया हूँ, इसको मैं इसके अंदर लगा के अब दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही हम लोग बैटरी को इसमें लगाएंगे, जो ग्रीन LED है वो इंडिकेट करने लगेगा कि जो हम लोग की बैटरी है वो इसके अंदर लग चुकी है और जो बैटरी है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, मतलब चार्ज होने के लिए। अब जैसे हम लोग इसको इलेक्ट्रिक बोर्ड में कनेक्ट करेंगे, जो ए वाली LED है ये जलने लगेगी। तो गाइस इसको मैं डायरेक्टली अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड में कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूँगा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग जो बल्ब है वो जलने लगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने RGB लाइट लगाया है और उस RGB लाइट को मैंने रेड पेंट कर दिया है, ताकि जो थंबनेल आए हम लोग की वीडियो का वो काफ़ी अट्रैक्टिव आए। मेरे पास फिलहाल में रेड LED नहीं था, आप रेड LED लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे RGB लाइट लगाया है जो कि काफ़ी बढ़िया है, ये भी काफ़ी अच्छी तरह से इंडिकेट कर रहा है। जो बैटरी है उसके अंदर लगी है, जो ग्रीन LED है वो इंडिकेट कर रहा है कि मतलब बैटरी लगी हुई है। और जैसे हम लोग इसको ऑन करेंगे, जो ए बल्ब है ये इंडिकेट करेगा कि हम लोग का जो चार्जर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है एंड जो बैटरी है वो प्रॉपरली चार्ज हो रही है। जैसे इसको हम लोग निकाल देंगे, फिर भी दोनों जो बल्ब है वो जलता रहेगा क्योंकि करंट तो जा ही रहा है। जैसे ही बंद करेंगे, अब क्या होगा, दोनों LED जो है साथ में बंद जाएंगी। उसके बाद जैसे हम लोग बैटरी को वापस इसमें कनेक्ट करेंगे, फिर से जो ग्रीन LED है वो जलने लगेगा एंड जैसे हम लोग ऑन करेंगे उसको इलेक्ट्रिसिटी का करंट देंगे, इसको जो रेड LED है वो जलने लगेगी। तो काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और काफ़ी अच्छा है हमारे बैटरी को चार्ज करने के लिए। सो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये लिथियम बैटरी चार्जर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।